YouTube के साथ एक और YouTube के लोगों के साथ एक और चीज है क्या? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पूजा क्रिएशन व्लॉग्स। तो आज हम व्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह से। तो सुबह सुबह मैंने सारा काम करके नहा धो के पूजा पाठ कर लिया है। तो आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह से स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बनाते हैं ब्रेकफास्ट। तो मैंने ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी सारी पहले से ही करके रखी थी। तो आज बनाना है ब्रेकफास्ट में डोसा, जो कि गन्नू का है, बहुत ही फेवरेट। तो जैसे ही गन्नू को पता चलता है कि बन रहा है डोसा, तो वो मेरे आगे पीछे घूमना चालू कर दिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ सारी तैयारी हो चुकी है। तो मैं फटाफट से डोसा बना रही हूँ। और इनकी नौटंकी तो कहीं भी ख़त्म नहीं होती है, ये हमेशा चालू रहते हैं। जब तक कैमरा ऑन रहेगा ये कैमरे के आगे पीछे तो घूमेंगे ही, साथ में इनका बन रहा है फेवरेट डोसा। तो ये देखिए, इनकी मस्ती चालू है। गन्नू के एग्ज़ाम हो चुके हैं ख़त्म, इसीलिए हम लोग इतने दिन से नहीं दिख रहे थे, क्योंकि उनके थे एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम के काफ़ी टाइम पहले से भी हम लोग नहीं दिख रहे थे, क्योंकि इनकी तबीयत हो गई थी ख़राब। एक वीक पहले ये बीमार थे, ये काफ़ी टाइम तक बीमार चले, उसकी वजह से भी हम लोग का वीडियो काफ़ी ब्लॉग डेली ब्लॉग नहीं गया। तो मैंने सोचा आज से स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से भी कुछ बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग बताइएगा कि जब आपके बच्चों के एग्ज़ाम आते हैं तो क्या आपके बच्चे भी बीमार पड़ते हैं? ये मेरा गोलू मोलू तो हमेशा पड़ता है, चाहे एग्ज़ाम हो टेस्ट हो, उस टाइम पे इनको थोड़ा सा बीमार पड़ना ही पड़ना है, लेकिन इस बार ये काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा किन किन के बच्चों के साथ ऐसी बातें हो जाती हैं। और जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तब से इनकी मस्ती बढ़ गई है। और तो और आप लोग को एक बात और बता देते, इनका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो इनको तभी मैं क्या करती थी, टेबल, ग्रामर, जीके, ये सब, मैथ्स, ये सब देती थी पढ़ने के कि तुम पढ़ो। तो इन्होंने अपनी माँ, मेरी सिस्टर, दीदी से मेरी क्या कंप्लेन की कि मम्मा अभी भी हमको पढ़ा रही है, ठीक है, मम्मा अभी भी हमको पढ़ा रही है। उसके बाद क्या हुआ है, इनकी माँ ने इनको बोला कि गन्नू अब 2 डेज तक तुम बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करना, 2 डेज के बाद तुम पढ़ाई करना है। तो इन्होंने क्या किया कि जिस दिन से बोली इसकी माँ, उस दिन से लेके नेक्स्ट डे तक, रात से लेके सुबह दोपहर तक, इन्होंने 20-25 बार बोल बोल के मेरा दिमाग कर दिया खराब। नहीं, मैंने नहीं किया। हाँ, ना, कि मम्मा, माँ ने तो बोला कि मैं 2 दिन तक नहीं पढ़ूंगा। हमने बोले माँ तो बहुत कुछ बोलती है, सब क्यों नहीं मानते हो, यही बात क्यों मान रहे हो? तो नहीं मम्मा, माँ ने बोला है। लास्ट में जब मैं एकदम परेशान हो गई तो मैंने इसे कस के रखा, चुप, अब नहीं सुनेंगे तुम्हारी बात, बोलती है जब एक बार तो तुम बार बार क्यों मुझसे पूछ रहे हो? तो फिर ये भाग गया, कि चलो अब नहीं तो डांट पड़ जाएगी। तो इनके 2 दिन आज पूरे हो चुके हैं, तो आज से ये वापस से पढ़ाई करेंगे। अभी फिलहाल इनका ड्राइंग करने का मूड है, तो ब्रेकफास्ट कर लेंगे, उसके बाद ये ड्राइंग करेंगे। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं ब्रेकफास्ट। मैंने सोचा बना देते हैं ब्रेकफास्ट में डोसा, और मेरी जो सास है उनको लग गई थी चोट, तो उनको डॉक्टर ने अभी चावल खाने के लिए मना किया हुआ है। तो दोपहर में भी हम लोग का ये था कि आज इस टाइम डोसा खा लेते हैं, तो दोपहर में रोटी सब्जी ही खाएंगे। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं डोसा, उसके बाद गन्नू करेंगे ड्राइंग। तो यहाँ गन्नू का ब्रेकफास्ट हो चुका है तैयार, गन्नू का डोसा हो चुका है तैयार, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और यमी बना है। आगे के वीडियो में आपको इसकी भी रेसिपी ज़रूर देंगे। डोसा के साथ मेरे घर में किसी को नहीं पसंद आ रहा था अभी सांभर खाना, सबने बोला मुझे चटनी खानी है, तो मैंने बोला ठीक है चलो चटनी ही बना देते हैं। तो डोसे के साथ मैंने बनाया था नारियल और मूँगफली की चटनी। अपनी जादू का पिटारा, जिससे कई चीज़ मिल जाते हैं खाने को, घी भी, मक्खन भी और पनीर भी। साथ में जब वो घी बन जाता है तो उसका जो वो रहता है, आप लोगों के यहाँ सब क्या कहा जाता है मुझे तो नहीं पता, हम लोग यहाँ बोला जाता है करौली। तो धीरे धीरे नाश्ता बना के मैंने सबको नाश्ता भी करा दिया। नाश्ता कराने के बाद फिर बाकी भी जो काम थे वो भी किए। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखाते हैं कि क्या हो रहा है, गन्नू क्या कर रहे हैं।
तो गन्नू बना रहे हैं, हाँ ड्राइंग, लेकिन ड्राइंग को रिवील करने से अभी गन्नू ने मुझे कर दिया है मना। उससे बोला है पहले मेरी ड्राइंग कंप्लीट होना हो जाने दो मम्मा, फिर उसके बाद मैं खुद सबको अपनी ड्राइंग दिखाऊंगा। मैंने बोला दिखा तो दो, बता तो दो क्या बना रहे हो, तो उसने मना कर दिया, बोला नहीं पहले कम्प्लीट हो जाए उसके बाद, जब तक इनकी ड्राइंग बनती है तब तक बाकी काम कर लेते हैं। तब तक के लिए आप भी वेट करिए और हम भी वेट करते हैं। मैंने सोचा जब तक गन्नू अपनी ड्राइंग बनाते हैं, तब तक मैंने यहाँ कपड़े धो के रख दिए थे तो वो सूख चुके थे, तो मैंने सोचा इसे भी चलते हैं फैला देते हैं। और अब गन्नू जब मैं बाहर आ जाती हूँ तो ये भी अपनी साइकिल लेके बाहर चलाने लगता है, तो मैंने बोला चलो ठीक है ये चला रहा है। तब तक कपड़े फैलाने के बाद जो तो और भी कपड़े थे वो भी मैंने डाल दिए, और फिर यहाँ बर्तन कुछ पड़े थे ब्रेकफास्ट के तो वो भी धो दिए, और साथ में पानी गर्म कर दिया पीने के लिए, क्योंकि मेरे घर में गन्नू और मेरी सास जो हैं वो अभी भी गर्म पानी पीते हैं, तो मैंने सोचा एक साथ ही गर्म करके पानी दोनों लोगों के बॉटल में भर देते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे मिल चुका है प्ले बटन, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाते हैं ये प्ले बटन। तो गन्नू चलो प्ले बटन दिखाओ, और प्ले बटन के साथ तुम बताओ वो कौन सा है प्ले बटन। ये कौन सा है इधर आओ बगल में, ये गोल्ड है, ये गोल्ड है और ये सिल्वर है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये प्ले बटन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।